हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि एटीपी की बैलेंस शीट क्या है एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। एनसीईआरटी ने जब बैलेंस शीट को डिस्कस किया है तो ये बताया है कि हम कुछ जनरल कंसिडरेशन करेंगे, उसको हम समझने के लिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ एटीपी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि एक मेरे पास मान लो ये यूकैरियोटिक कोई सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो हमने क्या किया है, हमने ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करके जो बनाया है पाइरूवेट बनाया था। ओके, इस पाइरूवेट बनाते वक्त हमने दो एटीपी बनाए थे। ये एटीपी थे हमारे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के, जिन्हें हम डायरेक्ट एटीपी कह रहे हैं। उसके अलावा हमने दो एनएडीएच बनाए थे। ओके, एनएडीएच बनाए थे, तो हम ये देखेंगे कि इस दो एनएडीएच का क्या होगा। फिर हमने क्या किया था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था। उस माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा था कि ये पाइरूवेट एंटर करेगा, क्लियर, और पाइरूवेट बनाएगा एसिटाइल कोए, क्लियर, एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए बना के वो जाएगा क्रैब साइकिल में, क्लियर। तो हमारे पास, हम ये समझेंगे क्योंकि पाइरूवेट डबल है, एक ग्लूकोज से दो बने हैं, तो यहां पर दो एसिटाइल कोए बनेंगे। एक एनएडीएच हमारे पास इस स्टेप में बना था पर पाइरुवेट, क्योंकि दो पाइरुवेट हैं तो यहां पर मैं दो एनएडीएच लिख सकता हूं और दो एसिटाइल कोए, क्लियर। ओके, इसके अलावा हमारे पास इस स्टेप में एक CO2 रिलीज हो गई थी। क्रैब साइकिल में हमारे पास पर क्रैब साइकिल तीन एनएडीएच बने थे, एक FADH2, क्लियर, तीन एनएडीएच, एक FADH2, ओके, और एक जीटीपी बना था। तो ये पर क्रैब साइकिल है, लेकिन हमारे पास एसिटाइल कोए दो हैं तो दो क्रैब साइकिल चलेंगी। अब ये जो एनएडीएच है और FADH2 है, ये टोटल कितने एटीपी बनाएंगे ये हम डिस्कस करते हैं। पर एनएडीएच और FADH2 जो एटीपी बनाएंगे वो ईटीएस के थ्रू बनाएंगे, तो ये एनएडीएच ये सब हमारा ईटीएस में एटीपी बनाएगा। तो इस समरी को आगे लेके चलते हैं, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जब पाइरूवेट बना, क्लियर, तो दो पाइरूवेट बने, तो हमारे पास दो एनएडीएच यहां है, क्लियर, दो एनएडीएच यहां है। उसके अलावा हमने दो एटीपी बनाए जो कि हमारे पास एसएलपी के हैं। उसके बाद जब मेरे पास ये दो पाइरूवेट है, इससे हमारे पास दो एसिटाइल कोए बने। इस दो एसिटाइल कोए में हमने दो एनएडीएच और बनाए। ओके, अब ये दो एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में गए और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, जिसमें पर क्रैब साइकिल दो एनएडीएच, क्लियर, सॉरी, तीन एनएडीएच, एक FADH2 और एक हमारा जीटीपी बना, क्लियर। अगर इस तरीके से हम देखें, और ये डबल होगा, ये डबल होगा क्योंकि दो एसिटाइल कोए हैं, तो मेरे पास टोटल 6 एनएडीएच हो जाएंगे, दो FADH2 और दो जीटीपी, क्लियर। अगर मैं ओपी वाली देखूं, सॉरी एसएलपी वाली देखूं, डायरेक्ट एटीपी एक ग्लूकोज से, तो एक तो हो गई ये दो एटीपी, ये एसएलपी है, इसके अलावा ये एसएलपी है, क्लियर। अगर हम एनएडीएच देखें तो टोटल कितने होंगे, दो, दो यहां पर और 6 यहां पर, तो टोटल हमारे पास एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 10 एनएडीएच बन रहे हैं, 10 एनएडीएच। ओके, एक एनएडीएच हमारे पास 3 एटीपी बनाता है, तो 3 × 10 टोटल हमारे पास 30 एटीपी हो गए। ओके, अब इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ए दो FADH2 बने दो क्रैब साइकिल के, तो वो हमारे पास हो गए 4 एटीपी, क्लियर। और ये जो 34 एटीपी हम लिख रहे हैं, ये 34 एटीपी बेसिकली हमारे पास जो हैं, ये 34 एटीपी जो हैं ये ओपी के हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के हैं। इसके अलावा दो एटीपी ये और दो एटीपी ये, टोटल 4 एटीपी और हो गए जो कि एसएलपी के हैं, जिनको हम बोल रहे हैं 38 एटीपी। कुछ बुक्स में ये 36 एटीपी होते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर कुछ चीजें आपने याद रखनी है। ग्लूकोज से पाइरूवेट टोटल 8 एटीपी अगर वो बोले एरोबिक रेस्पिरेशन,
नहीं तो दो एटीपी हैं जिसमें दो के दो एसएलपी वाले हैं, क्योंकि एनएडीएच जाके किसमें एटीपी देगा हमारे पास, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर मैं क्रैब साइकिल में देखूं तो वैसे 12 एटीपी हैं जिसमें से 11 ओपीके हैं, 11 एटीपी ओपीके हैं और एक एटीपी हमारे पास एसएलपी का है। ओके, तो ये हमने क्रैब साइकिल के लिए बताया, क्योंकि क्रैब साइकिल डबल है। तो अगर मैं देखूं ये 24 एटीपी हो गए यहाँ पे, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 6 एटीपी हो गए और ये टोटल 8 एटीपी हो गए। तो मैं इनको अगर सम कर दूं हमारे पास, तो टोटल ये 36 38 एटीपी ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर? तो आपने क्लियर कुछ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है कि कितने एनएडीएच बन सकते हैं एक ग्लूकोज से, कितने एफएडीएच2, उसमें से कितने ओपी हैं और कितने एसएलपी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं पीजीएल से कैलकुलेट करिए, तो अगर पीजीएल से आप जाओगे, सिंपल पीजीएल से जाओगे, तो पीजीएल से पाइरूवेट के बीच में आपके पास दो एटीपी हैं, क्लियर, दो अलग अलग स्टेप्स में, और एक एनएडीएच। अगर मैं सिर्फ पीजीएल से जाऊं और पाइरूवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में 15 एटीपी हैं, जिसमें से 12 एटीपी आपके कैसे हैं, 12 एटीपी आपके क्रैब साइकिल के हैं प्लस 3 एटीपी लिंक रिएक्शन का है। क्लियर? तो 15 एटीपी ये हो गया और 2 एटीपी 17 और एनएडीएच 3 एटीपी। तो हम अगर मैं क्लियर याद करूं कि कहां से कितना एटीपी बन रहा है या एनएडीएच बन रहा है, मैं किसी भी स्टेप से एटीपी कैलकुलेट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पाइरूवेट से निकालने हैं तो लिंक रिएक्शन के 3 एटीपी और 12 एटीपी किसके, आपके क्रैब साइकिल के। पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी क्रैब साइकिल का एटीपी बोलेगा तो आपने 12 ही लेने हैं। रीजन ये है क्योंकि वो दोनों स्टेप लिंक रिएक्शन ईटीएस या आपका और भी मतलब क्रैब साइकिल सब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो जो ग्लाइकोलिसिस के दो एनएडीएच हैं, इनका ऑक्सीडेशन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्रैब साइकिल में 12 एटीपी जरूर बनेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ बुक्स में 36 एटीपी है और कुछ में 38 एटीपी है। इसका क्या रीजन दे रखा है हमें 38 एटीपी है। आपने ये समझना है कि 36 और 38 एटीपी कहाँ कहाँ बनते हैं। जैसे हर्ट में हमारे पास एचएल के, हर्ट, लीवर एंड किडनी, इसमें हमारे पास 38 एटीपी बनते हैं। और मसल में और न्यूरॉन में हमारे पास 36 एटीपी बनते हैं। तो हमने इसमें क्या है ऐसा राज जो 36 या 38 है, इसको जरा देखते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, क्लियर, इसमें हमारे पास दो एनएडी प्लस से दो एनएडीएच बने। ओके, ये एनएडीएच जाके एटीपी बना रहे हैं किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आपने ये समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने के लिए दो शटल सिस्टम होते हैं। एक शटल सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। क्लियर? किसके लिए ये शटल सिस्टम है, एनएडीएच जो ग्लाइकोलिसिस में बना है। अब क्यों शटल सिस्टम चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास है उसमें एनएडीएच को लेके जाना है और रीऑक्सीडाइज करना है किसमें, एनएडी प्लस में, ताकि हम उसको यूज कर सके दोबारा से इसमें ग्लाइकोलिसिस में। तो दो शटल सिस्टम है, पहला है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, इसमें एंटर करता है दो एनएडीएच, मतलब एनएडीएच एंटर करेगा लेकिन पहुंचेगा एफएडीएच2। दिस मींस एनएडीएच 3 एटीपी की जगह 2 एटीपी बनाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में एनएडीएच एंटर करता है पर पहुंचता है एफएडीएच2। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटीपी बननी चाहिए थी वो 6 की जगह 4 बनती है। तो उस केस में 36 एटीपी आते हैं, जैसा कि मसल और हमारे पास न्यूरॉन्स में होता है। उसके अलावा हमारे पास 38 एटीपी के लिए एक अलग शटल सिस्टम है जिसे हम कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। आपने ये शटल्स की डिटेल नहीं पढ़नी, क्योंकि इनका सिर्फ नाम पूछ सकता है नीट में, इसके आगे नहीं पूछेगा। तो इसमें हमारे पास 38 एटीपी बनेगा, क्योंकि इसमें जाएगा भी एनएडीएच और पहुंचेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैलेट एस्पार्टेट शटल में 2 NADH के 6 ATP लेंगे और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में 2 NADH के हम 4 ATP लेंगे।
इस तरीके से 36-38 एटीपी बन रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे पास कि कैसे 36 और कैसे 38 एटीपी।